हरे कृष्णा। तो आज हम जानते हैं कि जो साल भर में सब एकादशी आती है उनमें से सबसे ज्यादा स्पेशल और सबसे ज्यादा अलग जो एकादशी है जो कि निर्जला एकादशी, उसके बारे में हम जानेंगे। स्पिरिचुअली जब देखा जाएगा तो उसके बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स है और बहुत सारे बुक्स उस पर लिख सकते हैं, लेकिन हम आज उसके स्पिरिचुअल और स्क्रिप्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम जानेंगे इसका कुछ रियली साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। तो एकादशी एक ऐसी तिथि है जो महीने में 2 बार आती है और साल में 24 बार आती है। तो एकादशी मतलब 11वां दिन, अमावस्या या पूर्णिमा से जो 11वां दिन आता है उसको एकादशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एकादशी ही क्यों, ये एकादशी का इतना क्या इंपॉर्टेंस है कि इस दिन व्रत फॉलो करते हैं और इस दिन सब हम भगवान की ज्यादा आराधना करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एकादशी का क्या इंपॉर्टेंस है जो साइंटिफिकली देखा जाता है, और खास करके जो निर्जल एकादशी है जिसको ड्राई फास्टिंग भी हम बोल सकते हैं, तो निर्जल एकादशी का क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, निर्जल एकादशी जो है वो एक 24 घंटे का व्रत है जिसमें सनराइज से, आज के सनराइज से लेके कल के सनराइज तक कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं और बाकी कुछ अन्न भी नहीं ग्रहण करते। तो ये जो 5 बेनिफिट्स है निर्जल एकादशी के, इनमें से सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि निर्जल एकादशी की वजह से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो जैसे कि चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्र के पोजिशन की वजह से हाई टाइड एंड लो टाइड निर्माण होते हैं समुद्र में, वैसे ही हमारे बॉडी जो 70 से 80% पानी से बना हुआ है, 70 to 80% ऑफ आवर बॉडी इज मेड बाय वाटर। तो जैसे कि चंद्र की वजह से हमारे पृथ्वी पे जल पे इम्पैक्ट होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो जल है उस पे भी चंद्र का इम्पैक्ट होता है। और एकादशी के दिन चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे स्थान पे आ जाता है जिसमें वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से पानी का खिंचाव होने की वजह से हमारे बॉडी में इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, और इन इम्बैलेंस की वजह से हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होती है। हमारे आयुर्वेदा में भी ऐसा लिखा हुआ है कि सारी बीमारियों का जड़ हमारे डाइजेशन से आता है। तो ये जो डाइजेशन हमारा बिगड़ा हुआ है उस पर कम से कम हमें स्ट्रेस देना है और ज्यादा से ज्यादा उसको रिलैक्सेशन देना है जिसकी वजह से वो डाइजेशन अच्छे से हो जाए। तो ये जो डाइजेशन सुधारने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फास्टिंग करते हैं, मतलब कम से कम अन्न उस शरीर में डालते हैं कि फास्टिंग की वजह से उसको आराम मिलता है और इनडाइजेशन का जो समस्या है वो सब निकल जाती है, इसकी वजह से बीमारियां भी कम पड़ती है। ये जो है पहला बेनिफिट कि इनडाइजेशन हमारा सुधरता है एकादशी पे फास्टिंग करने की वजह से। दूसरा जो साइंटिफिक बेनिफिट जो निर्जल एकादशी की वजह से हमें मिलता है वो ये है कि जो नवजात शिशु रहता है उस शिशु के ब्लड में, उस शिशु के बॉडी में स्टेम सेल्स क्रिएट होते हैं, और वो स्टेम सेल्स का प्रमाण इतना रहता है कि 1 stem cell is to 10,000 नॉर्मल सेल्स, मतलब जो जब 10,000 नॉर्मल सेल क्रिएट होते हैं उसके अगेंस्ट एक स्टेम सेल क्रिएट होता है। तो वही हम जब देखते हैं कि जो बड़े 50 साल के व्यक्ति है उनके बॉडी में एक स्टेम सेल जनरेट होने के लिए 500,000 नॉर्मल सेल्स क्रिएट होने चाहिए। तो मतलब ये जो प्रतिशत हम देखते हैं कि नॉर्मल जो शिशु है, बालक है, उसके बॉडी में स्टेम सेल्स ज्यादा प्रमाण में जनरेट होते हैं। लेकिन स्टेम सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो स्टेम सेल्स जो है वो बॉडी में हमारे नए ऑर्गन्स जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब इसमें इसका जो डीएनए है वो किसी भी ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए और रीजनरेट करने के लिए यूज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स है वो हमारे बॉडी में रीजनरेटिव और रिपेरेटिव काम करता है। और हमने जैसे देखा कि जो नवजात शिशु है उसका बॉडी का डेवलपमेंट चालू रहता है कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से उसके बॉडी में स्टेम सेल्स ऑलरेडी ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही बड़ा व्यक्ति होता है उसके बॉडी में स्टेम सेल्स का प्रमाण कम होता है क्योंकि उसका ग्रोथ ऑलरेडी रुक चुका है। लेकिन ये स्टेम सेल्स जो है वो सिर्फ रीजनरेट का काम नहीं करते, वो रिपेयरमेंट का काम भी करते हैं। हमारे बॉडी में जो कोई रिपेयरमेंट का ऑर्गन है जिसको रिपेयरमेंट करना है वहां पे स्टेम सेल्स का यूज होता है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है कि जो ड्राई फास्टिंग करते हैं मतलब निर्जल एकादशी करते हैं उस दिन वो स्टेम सेल्स का जनरेट होने का प्रमाण ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो रीजनरेटिव सिस्टम है वो काम में आता है और रिपेयरमेंट हमारे बॉडी में शुरू होता है। तो जहां कहीं भी हमारे बॉडी के अंदरूनी हिस्से में जहां कहीं भी कुछ रिपेयरमेंट की जरूरत है वहां पे ये स्टेम सेल्स वहां पे आके काम करते हैं और रिपेयरमेंट करते हैं। ये दूसरा बेनिफिट है निर्जल फास्टिंग करने का। तीसरा बेनिफिट है कि जो हमारे बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन माने की सूजन, तो विदाउट पानी ये सूजन हो नहीं सकता, मतलब सूजन होने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब हम हमारी बॉडी को डिवाइड करते हैं पानी से, मतलब पानी नहीं देते हमारी बॉडी को, तो ऑलरेडी ये सूजन होने का प्रमाण कम हो जाता है क्योंकि बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि जो जहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे वो प्रोवाइड करेगा अगर पानी की कमतरता होगी तो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है जहां पे ऑलरेडी बॉडी को जरूरत नहीं पानी के प्रोवाइड करने की वहां पे वो प्रोवाइड नहीं करेगा और इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगा। तो चौथा बेनिफिट जो निर्जल एकादशी की वजह से या फिर ड्राई फास्टिंग की वजह से देखा जाता है वो ये है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब कैसा है कि जो बीमारियों को भगाने वाली हमारी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में कुछ एडिशनल
फूड या फिर एडिशनल पानी वगैरह नहीं आ रहे बाहर से, तो बॉडी को अंदरूनी तरफ से उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और एडिशनली इसके वजह से क्या होता है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है हमारी बॉडी में, स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह, और बाकी जो हार्ट सिस्टम है, ब्रेन, न्यूरोलॉजी का सिस्टम है, ये सब हमारा इनलाइन हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रिपेयरमेंट उन सब सिस्टम्स का हो जाता है और वो सब अपने नॉर्मल पेस पे चालू हो जाते हैं। मतलब जो कहीं उसमें कमतरता है, जो कोई उसमें डिसीजेस है, वो सब निकल जाती है। और पांचवा जो साइंटिफिक बेनिफिट एकादशी का, वो ये है कि हमारे बॉडी में जो कोई पैरासाइट्स है जो हमारे बॉडी को अंदर से खा रहे हैं, बॉडी उसके अगेंस्ट प्रिपेयर करती है उनको बाहर निकालने के लिए। तो बॉडी को ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारे बॉडी को डिफिशियंसी है ऑलरेडी फूड और पानी का। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पैरासाइट्स पल रहे हैं बॉडी में, बॉडी उसको निकालने का शुरुआत कर जाता है। जो हमारे हेल्दी टिश्यूज है वो रीजनरेट होते हैं, और जो बुरे टिश्यूज है मतलब कि कैंसरस सेल्स या फिर पैरासाइट्स, उनको निकालने में बॉडी शुरू करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स निर्जल एकादशी की वजह से हमें मिलते हैं। तो इतना ही नहीं, ये तो हो गए साइंटिफिक और बॉडीली बेनिफिट्स, लेकिन इससे ज्यादा कई ज्यादा तौर पे हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो कि हमारे माइंड और हमारा सोल है उसको अलाइन करता है, उसको काम करता है और फोकस करने में बहुत हमें हेल्प करता है। तो ये सब हुए बेनिफिट्स निर्जल एकादशी फॉलो करने के लिए। तो कैसे लगे आपको ये बेनिफिट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए मत भूलिए। हरे कृष्ण।